आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। टेक्निकली यहाँ देखेंगे तो स्टॉक रेड में ट्रेड हो रहा था, लेकिन क्लोजिंग देखेंगे तो 1640 के प्राइस पे दिखा है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस था। और यहाँ देखेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ स्वीडन से आते हुए दिखा है, जहाँ प्रॉक्सिमिटी सेंटर कंपनी ने खोला, इसको थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। तो इन्फोसिस सेड ऑन मंडे डेट इट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स फुटप्रिंट इन नॉर्डिक रीजन विथ अ न्यू प्रॉक्सिमिटी सेंटर इन स्वीडन। और ये काफ़ी बेहतर न्यूज़ है, जिस प्रकार से ग्लोबली देखेंगे कंपनी एक्सपेंड करते हुए दिख रही है। इसके साथ ही जीएम फाइनेंशियल का 1650 के टारगेट आते हुए दिखे थे, वो इजली अचीव होते हुए दिखा है। और नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो टेक्निकली अगेन स्टॉक जो है एक ट्रेंड दिखा, लेकिन अभी भी निफ्टी आईटी का आउट परफॉर्म है। लेकिन जिस प्रकार का कैंडल आज के ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिखा है, तो इस समय जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं 1620 के नीचे के क्लोजिंग को एसएल लेंगे। पहला टारगेट 1660 होना चाहिए, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो 750 तक के लेवल्स भी पोजिशनली इजिली इन्फोसिस के अंदर देख सकता है।